मैं वीडियो आप लोग को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके एनालिटिक्स पे जाते हैं और रीच पे। देखिए दोस्तों, सजेस्टेड वीडियो जो है वो 82.2% मतलब सजेस्टेड वीडियो से, यूट्यूब सजेस्टेड वीडियो से आ रहा है, और ब्राउज फीचर से 7% आ रहा है, यूट्यूब सर्च से 4% और चैनल पेज से 3%। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों यूट्यूब सजेशन से आ रहा है। तो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्यों अब मेरे सभी वीडियो जो है वो सजेशन में जाने लगे हैं, क्यों मेरे सभी वीडियो यूट्यूब रिकमेंडेशन में जाने लगे हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, अपना ही चैनल है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा दूँ, तो यह मेरा एक चैनल है और इस चैनल के वीडियोज़ को देखिए। मैं वीडियो आप लोग को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके एनालिटिक्स पे जाते हैं और रीच पे। देखिए दोस्तों, सजेस्टेड वीडियो जो है वो 82.2% मतलब सजेस्टेड वीडियो से, यूट्यूब सजेस्टेड वीडियो से आ रहा है, और ब्राउज फीचर से 7% आ रहा है, यूट्यूब सर्च से 4% और चैनल पेज से 3%। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों यूट्यूब सजेशन से आ रहा है। और आप लोग को एक आध वीडियो दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए दोस्तों, ये भी वीडियो देखिए, इसको इसका भी एनालिटिक्स और फिर रीच में। तो ये देखिए दोस्तों, सजेस्टेड वीडियो जो है 55% मतलब खाली सजेस्टेड वीडियो से आ रहा है, और ब्राउज फीचर से 24%, यूट्यूब सर्च से 11% और नोटिफिकेशन से 4%। और आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, इस वीडियो को भी मैंने ओपन कर दिया और रीच में आते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सजेस्टेड वीडियो जो है वो 72% मतलब पूरा 72% जो है सजेस्टेड वीडियो से आ रहा है, और ब्राउज फीचर से 12% और यूट्यूब सर्च से 6%। तो गाइस, इसका मतलब यह है कि मेरा वीडियो जो है सजेशन में जाने लगा है, और इसके वजह से काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ भी देखने को मिल जा रहे हैं। तो गाइस, मैं ऐसा क्या करता था अपने चैनल पर कि मेरा वीडियो यूट्यूब रिकमेंडेशन में जाने लगा। तो गाइस, मैं पिछले कुछ दिनों से अपने वीडियो को जो है ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना रहा था, वीडियो को 2 से 3 मिनट तक का बनाता था। इससे क्या होता है ना दोस्तों, जब भी वीडियो ऑडियंस के पास पहुंचता है, तो अगर ऑडियंस 1 से 1.5 मिनट भी अच्छे से देखते हैं दोस्तों, तो ऑडियंस रिटेंशन अच्छा बना रहता है, जिसके वजह से वीडियो सजेशन में जाने का चांसेस बढ़ जाता है। और अपने वीडियो का जो है टिपिकल मैनेज करके रखता था। टिपिकल मतलब जब वीडियो अपलोड कर देते हैं तो उसका परफॉर्मेंस आता है, तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे नीचे लिखा रहता है टिपिकल, उसको मैनेज करके रखता था, जिसके वजह से मतलब मेरा वीडियो जो है वो यूट्यूब रिकमेंडेशन में जाने लगा। गाइस, जब भी हम लोग वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो उसके 3-4 घंटे बाद वीडियो का परफॉर्मेंस सामने आता है। जैसे देखिए दोस्तों, एक वीडियो मैंने ओपन किया है और इसका परफॉर्मेंस और इसका व्यू जो गया है वो 164 है, और इसका टिपिकल जो है दोस्तों वो 50 से 100 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये उससे ऊपर जा रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है, इसलिए इसका एरो जो है दोस्तों ऊपर की तरफ दिखा रहा है। और इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो है दोस्तों 3% है, मतलब ये लगभग बराबर है, इसलिए राइट का चिन्ह दिख रहा है। और एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है दोस्तों वो देखिए 59 सेकेंड है, जो कि टिपिकल से कम है, क्योंकि टिपिकल का व्यू देखिए दोस्तों टाइम जो है 1 मिनट 9 सेकेंड से 1 मिनट 47 सेकेंड तक का है, लेकिन सिर्फ 59 सेकेंड जा रहा है, इसलिए डाउन जा रहा है। इसलिए अब इस वीडियो का जो है सजेशन मतलब ये वीडियो अब यूट्यूब सजेस्ट नहीं करेगा। तो आप लोग घर में 3-4 मोबाइल अगर हो, या दोस्त का मोबाइल हो, किसी का मोबाइल मांग कर वीडियो को चलाते रहिए, ताकि ये जो है ये मतलब ग्रीन में रहे, या तो सही रहे या फिर ऊपर जाते रहे, लेकिन डाउन रहेगा तो वीडियो सजेस्ट नहीं होगा।